हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं कैसे करें हेल्प हिंदी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड आज के इस नए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं, और वो भी फ्रेंड बहुत ही कम समय में। इसके लिए ना तो आपको कोई यूजर नेम, पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मात्र आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड अपने पास रखना पड़ेगा, उसकी कुछ डिटेल्स डालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। इसके लिए आपको ये जो वेबसाइट इसकी है, यहाँ पे आप नॉर्मल डाल दीजिए, इनकम टैक्स डालिए। जैसे आप फ्रेंड यहाँ पे इनकम टैक्स डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग गवर्नमेंट डॉट इन की वेबसाइट ये ओपन हो गई है। तो फ्रेंड अभी तक इसमें प्रोसेस थी काफ़ी लंबी। इसमें क्या प्रोसेस थी कि इसमें आपको एक यूजर नेम बनाना पड़ता था, यहाँ पे पासवर्ड बनाना पड़ता था, काफ़ी झंझट था इसमें। और उसके बाद फ्रेंड नीचे आप देख रहे हैं, तो आपको हम नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे देखिए एक 4 तारीख जो है 5/5/2017 यानी कि कल ही अपडेट हुआ है एकदम नया। तो इसमें आपको क्या है कि काफ़ी लोगों को ये भी दिक्कत आ रही थी कि उनका पैन कार्ड में कुछ अलग नाम था और आधार कार्ड में अलग नेम था, तो इसमें उन लोगों को दिक्कत आ रही थी कि वो दोनों लिंक नहीं हो पा रहे थे। तो फ्रेंड इसके लिए भी दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है, तो उसमें खबर छपी है कि जो है अगर आपका आधार कार्ड में नेम अलग है और पैन कार्ड में अलग है, फिर भी आप लिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड उसकी जो है वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, तो वहाँ से आप उसे आप चेक कर सकते हैं वहाँ से आसानी से। तो आप उस पूरी प्रोसेस वहाँ देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि आपको सीधा सीधा लिंक कैसे करना है पैन कार्ड को आधार कार्ड से। तो चलिए जैसे आप ये वेबसाइट खोल लेंगे, इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं या यहाँ से जाके गूगल से भी जाके इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ से जैसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ किनारे पर ये फर्स्ट नंबर पर ही एक ऑप्शन आ गया है लिंक आधार, डायरेक्ट ये ऑप्शन आ गया फ्रेंड, इससे पहले ये ऑप्शन नहीं था। तो चलिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड क्लिक करने के बाद ये जो है इस तरह से आपको आप देख रहे हैं, तो इसमें पैन कार्ड आपका पैन कार्ड का जो भी नंबर होगा वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा, सेकंड नंबर पर आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, और तीसरे नंबर पर नेम एज पर आधार, जो आधार कार्ड में आपका नेम डाला है वो आपको डालना पड़ेगा, मतलब कैप्चर यहाँ भरना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पर ये सब प्रोसेस जल्दी से कर देता हूँ। इसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं चलिए फ्रेंड मैं इसमें भर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया है, आधार नंबर डाल दिया है, उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो नेम लिखा है वो यहाँ पे नेम भर दिया, उसके बाद यहाँ पे कैप्चर जो है ये जो लिखा है कोड WX ये सब यहाँ पे। तो फ्रेंड ये सब आपको भरने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लिंक आधार, तो यहाँ पे आपको क्या करना है सीधे इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड थोड़ी प्रोसेस होगी, उसके बाद आप ये मैसेज देख सकते हैं इधर कि आधार पैन लिंकिंग इज कंप्लीट सक्सेसफुली। तो फ्रेंड देखिए मेरा ये सक्सेसफुली हो गया है। तो इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है फ्रेंड। और अगर आपको ये फ्रेंड वीडियो मेरा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अच्छी जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।